देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत और संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। रिपब्लिक डे परेड में तीन सेनाओं की ताकत के साथ अलग अलग राज्यों, मंत्रालयों, सुरक्षा बलों की झांकियां भी देखने को मिली। पहली बार लड़ाकू विमान राफेल ने परेड में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया को अपना दम दिखाया। राफेल की गरज से पूरा आसमान गूंज गया। परेड का मुख्य आकर्षण सैन्य ताकत, राज्यों की अलग अलग संस्कृति, बांग्लादेश का 122 सदस्यों का कॉन्टिंजेंट स्कूल के बच्चों की ओर से पेश कार्यक्रम रहा। उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की झलक दिखाई दी, जबकि पंजाब की झांकी गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित की गई। कोरोना काल के बावजूद राजपथ पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शानदार तरीके से मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराकर रिपब्लिक डे परेड कार्यक्रम की शुरुआत की। देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत और संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। रिपब्लिक डे परेड में तीन सेनाओं की ताकत के साथ अलग अलग राज्यों, मंत्रालयों, सुरक्षा बलों की झांकियां भी देखने को मिली। पहली बार लड़ाकू विमान राफेल ने परेड में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया को अपना दम दिखाया। राफेल की गरज से पूरा आसमान गूंज गया। परेड का मुख्य आकर्षण सैन्य ताकत, राज्यों की अलग अलग संस्कृति, बांग्लादेश का 122 सदस्यों का कॉन्टिंजेंट स्कूल के बच्चों की ओर से पेश कार्यक्रम रहा। उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर की झलक दिखाई दी, जबकि पंजाब की झांकी गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित की गई। कोरोना काल के बावजूद राजपथ पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शानदार तरीके से मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराकर रिपब्लिक डे परेड कार्यक्रम की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।